हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए फिर से परमल की सब्जी बनाई है। ये मैंने सब्जी बनाई है, इससे पहले मैंने परमल की आपको स्नैक्स बनाकर खाए थे, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और ये सब्जी मैंने जो बनाई है ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत कम मसालों में बनाई है। रेगुलर जो मसाले हम डेली में यूज़ करते हैं उनसे बनाई है। ये जो सब्जी होती है टिंडे, परमल, कुंदरू, हमें ये बना के ज़रूर खाने चाहिए, इनके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत होते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। कभी किसी सब्जी के अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं, वो तो आपके ऊपर है ग्रेवी आपको कैसी बनानी है। तो चलिए अब हम इस परवल को बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैंने परवल लिए हैं और इसके ऊपर से और नीचे से दोनों को मैंने काट लिया है। अब ये हमारे सब कट गए हैं, अब हम इसको इस तरह स्लाइस बनाएंगे इसकी और इसको पतला काटेंगे और ये जो सारा अंदर का सीड से इसको सब हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमको सारे परवल काट के इस तरह कर लेने हैं। तो चलिए हम सारे परवल काट लेते हैं। मेरे 500 ग्राम परवल हैं, उसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है सरसों का। अगर आपको ज़्यादा तेल वाला खाना है तो आप 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे, गैस का फ्लेम हम तेज़ी रखेंगे। देखिए प्याज हमारा बढ़िया फर्स्ट क्लास सुनहरा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम थोड़ा पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले, क्योंकि 1.5 चम्मच हमारा होगा इसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी आधी छोटी चम्मच और ये होगी हमारी कुटी हुई लाल मिर्च और ये हमारा नमक। आप नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। इसके अंदर अच्छा कलर लाने के लिए 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे अपना देगी मिर्च का पाउडर। मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसके अंदर अपने सारे ये परवल डाल देंगे, इनको अच्छी तरह मिलाएंगे। फर्स्ट क्लास हमारे परवल मसाले के साथ कोट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब हम इसको ढक के 20 मिनट तक पकाएंगे और गैस को स्लो मीडियम कर देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया और एकदम बन जाने वाली इजी रेसिपी है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि हमने इसको बिना टमाटर के बनाया है तो इसके अंदर कुछ चटपटा फ्लेवर भी तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला है। कितनी फर्स्ट क्लास मसाले के अंदर हमारे जो परवल है कोट हो रखे हैं। और अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अपने परवल की करते हैं हम प्लेटिंग। हमारी परवल मसाला सब्जी तैयार है। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में ये सब्जी तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई मसाले नहीं लेने हैं। और सबसे बढ़िया बात, आजकल की महंगाई के ज़माने में जब टमाटर आसमान को छू रहे हैं, इसलिए हमने ये बिना टमाटर के बनाई है। इसको खटास देने के लिए हमने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला है। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से बना के देखिए, झटपट बनाइए, बनेगी और आप खाएंगे जब तो बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि सब्जी ये बहुत ही टेस्टी है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो लाजवाब है। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।